Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is Poonam. मैं भी fundamentals of computer करवा रही हूँ, जिसमें आज का topic है types of computer. तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है. तो types of computer में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे based on size के according, दूसरा है based on mechanism के according, और तीसरा है based on purpose के according. Based on size में सबसे पहले हमारा है super computer, जो सबसे बड़ा होता है. फिर उसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर उसमें है मिनी कंप्यूटर, और फिर है माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर में ही डेस्कटॉप आ जाता है, लैपटॉप आ जाता है और पाम टॉप आ जाता है. बेस्ड ऑन मैकेनिज्म में हमारा है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर. बेस्ड ऑन पर्पस के अकॉर्डिंग में हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर. हम लोग बारी बारी से देखते हैं. सबसे पहले बेस्ड ऑन साइज के अकॉर्डिंग हमारा सुपर कंप्यूटर क्या है. बेस्ड ऑन साइज के अकॉर्डिंग हमारा है पहले सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर. तो दोनों में देख लेते हैं डिफरेंसेस क्या है, किसको सुपर कंप्यूटर कहते हैं और किसको मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं. तो सबसे पहले हमारा है सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशन. और मेन फ्रेम है हमारा, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड एज अ स्टोरेज फॉर लार्ज डेटाबेस एंड सर्वर एज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली. इसका मतलब क्या हुआ, सुपर कंप्यूटर जो हमारा होता है ना, वो कैलकुलेशन के लिए होता है, वो बड़े बड़े लार्ज कैलकुलेशन के लिए होता है. और वही हमारा मेन फ्रेम जो होता है वो हमारा स्टोरेज के लिए होता है, जहाँ पे बहुत सारे डेटा स्टोर करना है. जैसे हम बैंकिंग कह सकते हैं, बड़े बड़े कॉलेज कह सकते हैं, मतलब जहाँ भी हमारा डेटा ज्यादा से ज्यादा स्टोर करना है तो वहाँ हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करते हैं. वही जहाँ बड़ा बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन करना है कुछ, तो हमारा सुपर कंप्यूटर काम करता है. ये तो एक डिफरेंस से समझ में आ गया. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. दिस कैन परफॉर्म द एग्जीक्यूशन ऑफ बिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन इन जस्ट अ सेकेंड. और यहाँ पे है हमारा मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम. इसका मतलब क्या हुआ, सुपर कंप्यूटर हमारा बहुत ही फास्ट होता है, ये बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड वर्क कर सकता है. वही हमारा मेन फ्रेम जो होता है वो हमारा मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड काम कर सकता है. तो सुपर कंप्यूटर फास्ट होता है मेन फ्रेम से. नेक्स्ट है हमारा, सुपर कंप्यूटर आर मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. सुपर कंप्यूटर जो हमारा होता है वो मोस्ट एक्सपेंसिव होता है. वही हमारा मेन फ्रेम जो होता है वो हमारा सुपर कंप्यूटर से थोड़ा चीप होता है, थोड़े सस्ते होते हैं. वही हमारा है सीमोर क्रे इन्वेंटेड द फर्स्ट सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर बैक इन 1976 नोन एज द क्रे वन. सीमोर जो हमारा था क्रे, वो हमारा फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर था वर्ल्ड का वो था. और वही हम कह सकते हैं कि IBM केम अप विद द फर्स्ट एवर मेन फ्रेम कंप्यूटर. जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो हमारा IBM बनाया था. उसके बाद है हमारा साइज के अकॉर्डिंग ही मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर वाज लॉन्च्ड इन 1960. मिनी कंप्यूटर जो हमारा था वो 1960 में आया था, और माइक्रो कंप्यूटर जो हमारा था वो 1970 में आया था. इट इज मल्टी प्रोसेसिंग मशीन दैट कैन सपोर्ट अबाउट 200 यूजर्स एट द सेम टाइम. मिनी कंप्यूटर जो हमारा होता है मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब कि एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं उसमें. और वही माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो वो सिंगल प्रोसेसर होता है, उसमें एक प्रोसेसर ही वर्क करता है. तो कोई भी सिस्टम एक बार में एक ही वर्क करता है अगर उसके अंदर एक प्रोसेसर लगा हुआ है. तो जो हमारा सिस्टम होता है जो हम लोग यूज करते हैं लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, तो उसमें एक प्रोसेसर यूज होता है, तो एक बार में एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं. बट जो हमारा मिनी कंप्यूटर कंप्यूटर होता है उसमें मल्टी प्रोसेसर होता है, तो उसमें 200 यूजर्स तक वर्क कर सकता है एट अ टाइम. नेक्स्ट हमारा, इट इज एक्सपेंसिव एंड लेस यूजर फ्रेंडली. जो हमारा मिनी कंप्यूटर होता है वो एक्सपेंसिव होता है माइक्रो कंप्यूटर से, और लेस यूजर फ्रेंडली का मतलब होता है कि वो हर कोई यूज नहीं कर सकता है, मतलब उसको हर कोई, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, जैसे हमारे माइक्रो कंप्यूटर होता है तो हर कोई यूज कर लेता है, जिसको सही से चलाना आता है वो भी, जिसको नहीं आता है वो भी यूज कर सकता है. बट मिनी कंप्यूटर जो होता है वो थोड़े लेस यूजर फ्रेंडली होते हैं, वो उतने फ्रेंडली नहीं होते, उस पर हर कोई वर्क नहीं कर सकता है. बट हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो एक तो एफोर्डेबल होता है, वो उसको हर कोई खरीद सकता है, और वो यूजर फ्रेंडली भी होता है. नेक्स्ट हमारा है, एज इट कंसिस्ट ऑफ मल्टी प्रोसेसर
The speed and performance are faster than micro computer. मिनी कंप्यूटर जो हमारा होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से फास्टर होता है, और माइक्रो कंप्यूटर जो हमारा होता है मिनी कंप्यूटर से स्लोअर होता है. नेक्स्ट हमारा है, मिनी कंप्यूटर आर मेनली यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रोसेस कंट्रोल ETC. और जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है वो मैनेजिंग डेटाबेस, ग्राफिक्स, वर्ड प्रोसेसिंग ETC. तो ये हमारा था मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर. नेक्स्ट हमारा है मैकेनिज्म बेस्ड पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर. एनालॉग कंप्यूटर में यहाँ पे देख सकते हैं, एनालॉग कंप्यूटर यूज कॉन्टिन्यूस वैल्यू. कॉन्टिन्यूस अगर डायग्राम वाइज देखे तो ये जो हमारा होता है ना एनालॉग कंप्यूटर, वो कुछ ऐसे वर्क कर रहा होता है, मतलब इसके हर एक पॉइंट पे वर्क कर रहा होता है. बट डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो वो डायग्राम वाइज देखे तो वो कुछ ऐसा वर्क कर रहा होता है. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्क्रीट वैल्यू. डिस्क्रीट मतलब होता है कि या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो जीरो या तो वन, या तो यस या तो नो. तो नेक्स्ट हमारा है, कंपेयर टू डिजिटल कंप्यूटर्स एनालॉग कंप्यूटर्स आर स्लो इन टास्क कंप्यूटेशन. जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है वो डिजिटल कंप्यूटर से थोड़े स्लो होते हैं, और जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है वो फास्ट होता है. नेक्स्ट है, एनालॉग कंप्यूटर हैज कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर. एनालॉग कंप्यूटर के जो आर्किटेक्चर होता है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर के होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं. नेक्स्ट है, इट परफॉर्मेंस इज कंपैरेटिवली लो. इसके परफॉर्मेंस जो होते हैं वो लो होते हैं अकॉर्डिंग टू डिजिटल कंप्यूटर, और जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो उसके परफॉर्मेंस हाई होते हैं. और हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो हमारे होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर. नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस. पर्पस बेस्ड पे फर्स्ट है हमारा, जनरल पर्पस कंप्यूटर आर डिजाइन एंड डेवलप्ड फॉर डे टू डे टास्क एंड ऑपरेशन. जनरल पर्पस मतलब कि जनरल यूज के लिए, और स्पेशल पर्पस मतलब कि कुछ कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको बनाया गया है. तो जो हम डे टू डे यूज करते हैं डेली रियल लाइफ में वो हमारा होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, और जो स्पेशल पर्पस जैसे कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको बनाया गया है कोई प्रोजेक्ट के लिए उसको कहते हैं हम लोग स्पेशल पर्पस कंप्यूटर. नेक्स्ट है हमारा, दे आर इनएक्सपेंसिव कंपेयर टू अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर. जनरल पर्पस कंप्यूटर जो होते हैं वो इनएक्सपेंसिव होते हैं, मतलब वो थोड़े सस्ते होते हैं अकॉर्डिंग टू अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर. स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं. नेक्स्ट है हमारा, दे आर रेडली अवेलेबल इन द मार्केट. जनरल पर्पस के जो कंप्यूटर होते हैं वो मार्केट में इजिली अवेलेबल होते हैं, बट जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं लोकल में. दे आर पोर्टेबल. पोर्टेबल मतलब होता है कोई भी डिवाइस को कहीं से भी कहीं ले जाना, उठाकर पोर्ट करना का ले जाना, कैरी करना. तो जो हमारा जनरल पर्पस होता है वो पोर्टेबल होता है, जैसे कह सकते हैं ना कि लैपटॉप. लैपटॉप हम लोग बैग में कहीं भी डालकर लेकर चले जाते हैं, बट स्पेशल पर्पस कह सकते हैं कि एक सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया हो. जैसे कि मैंने भी बताया कि जो हमारा सुपर कंप्यूटर होता है वो लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, मेन फ्रेम जो होता है वो स्टोरेज के पर्पस से बनाया गया है, तो उसको हम लोग पोर्ट नहीं कर सकते, उसके साइज भी बड़े बहुत बड़े होते हैं, तो उसको हम लोग पोर्ट नहीं कर सकते, तो दे आर नॉट पोर्टेबल. नेक्स्ट है हमारा, जैसे एग्जाम्पल कह सकते हैं जनरल पर्पस के, तो हमारा डेस्कटॉप हो गया, PC, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक्स एंड टैबलेट. और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो सुपर कंप्यूटर हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, सर्वर हो गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो गया, तो ये सब हमारे थे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.